सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो फैक्ट न्यूज़ और असीं इस वेले रणजीत सागर डैम की कलोनी जुगियाल दे विच आए हां। जब डैम शुरू होया सी ते अफसरां लई और मुलाजमां दे लई इत्थे क्वार्टर बनाए गए सीगे। उन्हां दी फैमिली रहिंदी सी, काफ़ी रौनक होंदी सी और इस नूं मिनी चंडीगढ़ के नाम नाल भी जाणिया जांदा सी। सर, जिस तरह ये क्वार्टर खंडर हो चुके ने, अगर डैम प्रशासन इन्हों रिपेयर करके किराए पर दे या लीज से दे, लगता नहीं कि नशेड़ियों के अड्डे भी खत्म होंगे तो आमदन में भी उन्होंने वाधा हो। इनू दोबारा सजाउण दा, दोबारा वसो करन दा सब तो बैटर तरीका ही यो है, इन्हां क्वार्टरां की दोबारा सफाई कराई जाए, इन्हां दी रिपेयर कराई जाए। रिपेयर तो कोई इन्ना खर्चा नहीं होना, जो बेस मॉडल है बिल्कुल तैयार होया पाया। जिहड़े भी बेसहारा लोग हन जां जो इत्थों मुलाजम चल गए हुए हैं, उन्हां नूं दोबारा रेंट दे दित्ता जाए तो जां फिर इनू लीज ते दे के दोबारा ये कलोनी नूं हरिया भरिया किया जाए। किस काम वास्ते खंडर जिहड़े इस्तेमाल हो रहे हैं खंडर कोल? हुण ते बस इस तरह ही आवारा डंगर फिरदे ने, नशेड़ी इत्थे आ जाते हैं। आ क्वार्टरां दे विच जो निगाह मारते हैं कितने सरिंजा खिलरियां फिरदियां होंदियां, कितने खाली बोतलां पईयां होंदियां ने, होर नशे पत्ते करन वाले गलत लोग जिहड़े गलत अंसर जिहड़े आ उत्थे आण के उन्हां दा अड्डा बन चुका है। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो फैक्ट न्यूज़ और असीं इस वेले रणजीत सागर डैम की कलोनी जुगियाल दे विच आए हां। जब डैम शुरू होया सी ते अफसरां लई और मुलाजमां दे लई इत्थे क्वार्टर बनाए गए सीगे। उन्हां दी फैमिली रहिंदी सी, काफ़ी रौनक होंदी सी और इस नूं मिनी चंडीगढ़ के नाम नाल भी जाणिया जांदा सी। क्वार्टर दस देना चाहते कि इस वेले क्वार्टर के की हालात ने। तुसीं वेख सकते हो क्वार्टर जिहड़े आ ओह खंडर हो चुके ने। 2000 के करीब रणजीत सागर डैम जिहड़ा उत्ते की जिहड़ी वर्किंग बिजली बननी जिहड़ी आ ओह शुरू हो गई सी। लोग साडे नाल जुड़े पए ने, गल भी करदे हैगे आ। सर, फैक्ट न्यूज़ दे विच तुहाडा स्वागत है जी। सत श्री अकाल जी, मेहरबानी जी। की कहना चाहोगे जिस तरह इत्थे क्वार्टर बने हैगे आ और किसी समय जुगियाल कलोनी जिहड़ी रणजीत सागर डैम की हैगी है, इहनूं मिनी चंडीगढ़ के नाम नाल भी जाणिया जांदा सी? हाँ जी सर, किसी टाइम तो जुगियाल एरिया मिनी चंडीगढ़ के नाम नाल फेमस सी। अज के हालात देखे जाण ते सारे क्वार्टर लगभग खंडर होने के तदार ते आए हुए हैं। तो ये क्वार्टर तुम पिछे भी देख सकते हो, एडे एडे झाड़ियाँ हो गई ने। हुण क्वार्टर झाड़ियाँ नहीं, झाड़ियाँ क्वार्टर हो गए पे ने, इहोजा टाइम आ गया। तो जिहड़े क्वार्टर झाड़ियाँ नहीं आईयां, थोड़ी बहुत सफाई मौजूद है, वह नशेड़ियों का अड्डा बन गया पाया। जिन्हें भी लगभग नशेड़ी तबके के ज गलत अंसर तबके के लोग होंगे ने, वो शाम को जो भी उन्हों का टाइमिंग है उस हिसाब नाल अंदर आएंगे। तुम क्वार्टर जाके देख सकते हो, खाली शराब दी बोतलां उत्थे मौजूद आ, सरिंजा टीके कैप्सूल तो होर जो भी नशे का साजो समान आ, वो लगभग सारा सजा के रखा जिदा उन्होंने घर बना के बैठे पे ने। तो ताडे टीवी के माध्यम राही अही इहो सरकार अगे ते मैनेजमेंट अगे पुरजोर अपील करते हैं कि जल्दी तो जल्दी इहदी सफाई वल ध्यान दिता जाए, क्योंकि मुलाजम ताडे को मौजूद ने, तनखावां तुसीं दे रहे हो, तो कम भी लो उन्हां को सफाई की जाए, तो नशेड़ियों का अड्डा जिहड़ा उन्हां नूं जल्दी तो जल्दी इत्थों चक्किया जाए। सर, जिस तरह ये क्वार्टर खंडर हो चुके ने, अगर डैम प्रशासन इन्हां नूं रिपेयर करके किराए पर दे या लीज से दे, लगता नहीं कि नशेड़ियों के अड्डे भी खत्म होणगे ते नाल आमदन में भी उन्हां दे वाधा होवेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल तुहाडी गल बिल्कुल वधिया गल है। इनू दोबारा सजाउण दा, दोबारा वसो करन दा सब तो बैटर तरीका ही इहो है, इन्हां क्वार्टरां दी दोबारा सफाई कराई जाए, इन्हां दी रिपेयर कराई जाए। रिपेयर तो कोई इन्ना खर्चा नहीं होना, जो बेस मॉडल है बिल्कुल तैयार होया पाया, हुण उत्ते हल्का हल्का खर्चा होना है, वह करके जिहड़े भी बेसहारा लोग हन जां जो इत्थों मुलाजम चल गए हुए हैं, उन्हां नूं दोबारा रेंट दे दित्ता जाए तो जां फिर इनू लीज ते दे के दोबारा ये कलोनी नूं हरिया भरिया किया जाए, क्योंकि जिन्नी वसो होएगी उहदे नाल उन्ने ही भी नशेड़ियां दी आवाजाई घट जाएगी। तो एक सर, मैं तुहाडे टीवी के माध्यम राही यह भी एक पॉइंट रखना चाहवागा कि यह जुगियाल कलोनी है, तीन स्टेटां का सेंटर पॉइंट पै जांदा है। पंजाब का भी सेंटर पॉइंट पै रहा, पंजाब का इनू कोर्नर लग रहा, हिमाचल का बार्डर लगता है, तो जे एंड के का बार्डर लगता है। तो जिदा कि असं जानते हैं जे एंड के एक डिस्टर्ब स्टेट है, तो जे एंड के दे बार्डर नेड़े होने करके, पाकिस्तान का बार्डर भी नेड़े होने करके, कोई भी गलत अंसर रात को उत्थे कोई वारदात को अंजाम दे के जां गलत मनसूबे नाल इत्थे आ के जिदा मर्जी रह के गलत वारदात को जां कोई भी टैररिस्ट तक की इत्थे गतिविधि रमान ना कोई इत्थे रह के कर सकदा है, क्योंकि इत्थे पुछगिछ ही किसी की नहीं है। इत्थे तो एडे एडिया लंबी झाड़ियां वा, रमान ना कोई हफ्ता दस दिन जिदा मर्जी लोग अंदर रहे। कई यार इतने डंगर मर जाते हैं, तो उन्होंने स्मैल होने तो बाद पता लगता है भी इतने डंगर मरिया पाया।
ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सरकार को चाहिए है कि बिल्कुल इस पासे वाल ध्यान दे के जां ते इहनूं रेंट ते दिता जाए, रेंट ते देगी तां वी कमाई आ, लीज़ ते देगी ते तां वी कमाई आ। बिल्कुल, देखिया तुसीं ये जिहड़े जुगियाल कलोनी के लोग हैगे ने, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। की कहना चाहोगे जिस तरह खंडर क्वार्टर है? देखो जी, ये काफ़ी देर तो कलोनी जिहड़ी सी सरकार ने इत्थों दे मुलाजमां वास्ते, रणजीत सागर डैम ते मुलाजम जिहड़े सीगे उन्हां वास्ते रहायश वास्ते बनाई सी। डैम कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होण दे उपरंत काफ़ी मुलाजम जिहड़े सी ओह अपने घरां नूं चले गए, ते नफरी घटण दे नाल, स्ट्रेंथ घटण दे नाल आ क्वार्टर जिहड़े काफ़ी खाली हो गए। T4 अडिशनल, T4 T3 अडिशनल, अडिशनल लैंड तकरीबन जिहड़ी आ सारी ना खाली हो चुकी आ, और इत्थे ना रहायश होण करके किसे दी ये जंगल बन चुकिया। खास करके आ T4 अडिशनल लैंड जिहड़ी है इत्थे, ते आले दुआले पिंडां वाले दे वालिआं दे लो जिहड़े आवारा डंगर ने वो इत्थे छड्ड जांदे ने, वो फिरदे ने, उन्हां दा कंट्रोल किसे दे कोल कोई नहीं हैगा। पता नहीं कदों डंगर किहड़े क्वार्टर दे विच मरिया हुंदा, ते आले दुआले इन्नी बदबू फैली हुंदी है जिहड़ा बीमारियां दा कारण बनदी है। आ थोड़े दिन होए आ इत्थे डंगर मरिया, और हफ्ते बाद जाके उन्हां दी किते जाके उन्होंने प्रशासन वालों उन्होंने जिहड़ा सी उहनूं चक्या गया। जिहड़े क्वार्टर खंडर होए पे ने, किहड़ी किहड़ी जरूरत विच लोग जिहड़े इहनूं इस्तेमाल करदे पे? ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੁਆਟਰ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਆਟਰ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਹਿਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਜੇ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰਦਾ, ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਆ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਖੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਖੰਡਰ ਕੁਆਟਰ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਵਾਰਾ ਡੰਗਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਕੁਆਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਸਰਿੰਜਾਂ ਖਿਲਰੀਆਂ ਫਿਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ, ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜੁਗਿਆਲ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਿੰਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਜੁਗਿਆਲ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਦਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਕੁਆਟਰ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਡੈਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਖੰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗਲਤ ਆਂਸਰ ਕਹੀਏ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੁਆਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ, ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਡੇ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਨਮੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਫੈਕਟ ਨਿਊਜ਼। ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਖਬਰ ਲਈ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਡਿਜੀਟਲ ਚੈਨਲ ਫੈਕਟ ਨਿਊਜ਼।